एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं, सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए कुछ क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सीक्वेंस से ही सभी क्लासेस को देखें तो बेस्ट रहेगा। तो इस क्लास में हम करेंगे, हमारे जो चैप्टर करा था हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगर का प्रशासन, उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे। तो इसी फॉर्मेट में अगर प्रिपरेशन करेंगे, कंटेंट फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो कोई भी चैप्टर आपका बिल्कुल भी एक भी पॉइंट उसमें नहीं छूटने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, और टेलीग्राम चैनल जो है इस पर जुड़ेंगे तो PDFs मिलेंगी। देखो, सोशल मीडिया का ऐसा कोई ज़्यादा रोल तो है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, बस यही मेरा मकसद है। अदरवाइज़ मैं ऐसा कोई नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो करें। तो सोशल मीडिया पर फॉलो करने का मतलब वही है कि अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। देखो, क्योंकि फेसबुक पेज जो है, पेज पर भी मैं थोड़ी अपडेट्स देती रहती हूँ, और इंस्टाग्राम आप चाहें तो फॉलो ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि इंस्टा पर ऐसी कोई अपडेट्स अभी मिलती नहीं है। और टेलीग्राम चैनल जो है इस पर आपको बेनिफिट रहेगा, PDFs वगैरह मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कंसर्न विद ऑल मैटर्स दैट कंसर्न द रेजिडेंट्स ऑफ द। तो देखो, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो किससे रिलेटेड है, मतलब कि कौन से मैटर्स हैं जिससे रिलेटेड है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इसके बारे में हमने क्लियरली डिस्कस किया था। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए हमारा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिटी। जो सिटी होती है, बड़े शहर होते हैं, उसमें हमारा क्या होता है, नगर निगम होता है जो सारी व्यवस्थाएँ करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, और जो छोटे शहर होते हैं, कस्बे होते हैं यानी, उनमें होता है म्यूनिसिपल काउंसिल। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए म्यूनिसिपल काउंसिल। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, इनकम टैक्स। देखो, जो बाकी के टैक्सेस हैं, जैसे वाटर टैक्स म्यूनिसिपल काउंसिल लगाती है, हाउस टैक्स होता है, एजुकेशन टैक्स होता है, इन सब के थ्रू इनकम होती है इसको, नगर जो हमारी पालिका होती है इसको, तो इसमें इनकम टैक्स शामिल नहीं है। अ म्यूनिसिपल काउंसिल इज सेटअप फॉर स्मॉलर टाउन्स विद अ पॉपुलेशन बिटवीन। तो म्यूनिसिपल काउंसिल की बात हो रही है, देखो, क्योंकि स्मॉल टाउन इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो पॉपुलेशन इसमें इंक्लूड रहती है 20,000 से लेकर के 3,00,000। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपॉइंट्स इट्स ऑन स्टाफ टू कैरी आउट। तो क्या काम करने के लिए ये अपना स्टाफ अपॉइंट करती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देखती है ये, रिमूवल और डिस्पोजल ऑफ गार्बेज देखती है, और टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, तो सारी सुविधाएं जो है ये कराती है प्रोवाइड, जो ये स्टाफ अपना अपॉइंट करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस, रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई एट्सेट्रा ऑफ द सिटी वी लिव इन। तो देखो, ये सभी काम कौन करता है, मैंने अभी बताया था आपको चैप्टर में कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ही काम रहता है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों पर विचार करें यानी टैक्सेस पर विचार करें कि कौन सा जो टैक्स है नगर निगम की आय के स्रोतों में शामिल है, कौन सा जो टैक्स है जिसके थ्रू नगर निगम को इनकम आती है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो जो आपका संपत्ति कर होता है, जो आपके प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, इसको इनकम टैक्स मत समझना, प्रॉपर्टी यानी कि जिस किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, घर जितना बड़ा घर है उतना ही टैक्स होगा, तो प्रॉपर्टी टैक्स होगा ये। पानी एवं अन्य सुविधाओं पर कर होता है, शिक्षा कर होता है, मनोरंजन कर होता है, ये सभी होते हैं नगर निगम की आय के स्रोत। इसी तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं, जिनको कि हम ध्यान नहीं देते हैं प्रैक्टिस करने पर, हम इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में देखते हैं तो इसी तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको बताना है हमें कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, इसमें सभी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, और छोटे कस्बों का प्रशासन कौन चलाता है, नगर पालिका चलाती है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, और पार्षद व पार्षदों की समिति विभिन्न शहरी मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त व प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। देखो, काफ़ी सारे टॉपिक्स की समरी इसमें दे दी है एक ही क्वेश्चन में। तो अब देखो, अगर सीटेट को क्वेश्चन पूछना होता तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कि उनका पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है। आप देखो, ये टॉपिक आपने अलग अलग पढ़े थे ना, लेकिन क्वेश्चन में आपको देखिए 6 टॉपिक ही एक साथ दे दिए हैं और सबकी नॉलेज आपसे ले ली है, तो इजीलिए तो टफ लगते हैं, क्योंकि पूरा पार्ट इसमें समा जाता है, पूरा लेसन एक ही क्वेश्चन में समा जाता है। तो अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लें, स्टेटमेंट बेस्ड
या कैसे भी सिंपल वन लाइनर पूछ लें तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और डेफिनेटली अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपने चुटकियों में हल कर दिया होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो फीडबैक हमें ज़रूर दें, चाहे आप अच्छा फीडबैक दें चाहे आप बुरा फीडबैक दें, तो कमेंट करना ना भूलें।